करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिले के लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस बीमारी से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी और बचाव ही इसका इलाज है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो उसकी सूचना जिला नागरिक अस्पताल या कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में अवश्य दे, ताकि ऐसे व्यक्ति की जाँच की जा सके और संक्रमण की पुष्टि की जा सके। उपायुक्त गुरुवार को लगे सचिवालय में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ रूबरू थे। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा भी उपस्थित थे। बीते वर्ष 2019 में चीन के हुबई प्रांत के शहर वुहान में कोरोना का मामला प्रकाश में आया और धीरे धीरे ये विश्व के दूसरे देशों में भी फैल गया और इसका नाम कोविड-19 हो गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब यह विश्व के 124 देशों में फैल गया है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पेंडेमिक यानी महामारी का नाम दिया है और यह भी कहा है कि इससे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, बल्कि जागरूक और सजग रहने की जरूरत है। समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन इजाद नहीं हुई है, लेकिन रिसर्च जारी है, क्योंकि इस तरह के वायरस पर नियंत्रण के लिए दवाई तैयार करने में कुछ समय लगता है। कोरोना को लेकर करनाल की स्थिति करनाल की जनता के लिए अच्छी खबर है कि जिला में अब तक कोविड-19 का कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं हुआ है। अलबत्ता जनता को जागरूक किया जा रहा है, स्कूलों में प्राचार्य मुख्याध्यापक के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सुपरवाइजरों के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल व कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेटेड यानी अलग से वार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक बाहर से एयरपोर्ट के जरिए 17 यात्री करनाल आए थे, उनमें से 4 सैंपल लेकर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए गए, जो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। सैंपल टेस्ट करवाने की सुविधा PGI रोहतक और मेडिकल कॉलेज खानपुर में उपलब्ध है। दोनों अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधाएं भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि खांसी बुखार व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण पाए जाने पर किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, तो आपके दोबारा से कब शुरू हो रहे हैं? अप्रैल से। ठीक है। इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड एलर्जी है, उमंगों का त्यौहार है, लेकिन एक आपसे विनम्र निवेदन है कि कोरोना वायरस कृपया गीली रंगों की होली ना मनाएं। मैं भी बता रहा हूँ आपको कि जो होली खेली हुई है और आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे चेहरे पर गुलाब दिख रहा है और यही मेरा क्या है कि कम तापमान और ठंडक में सजग रहें। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप गीले पानी की होली खेलेंगे, पानी के कलर से होली खेलेंगे, सूप पीजिए, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, गर्म गर्म चीजें खाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लेकिन इस बार करें नमस्ते होली, नमस्ते होली, नमस्ते होली। इस और नमस्ते करना पानी उबाल के भाप दे दीजिए, जितने कोरोना हेलिए होंगे आपके नाक गले में सब मर जाएंगे, सब बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.